দেবাঞ্জনদার কাছে অনুরোধ, দেবাঞ্জনদা আপনার বক্তব্য সমাপ্ত করে আমরা আমাদের পরবর্তী কাজে কার্যক্রমে ফিরব। তিনি মুখ্য বক্তা এবং আমাদের হিন্দুর নয়নের সম্রাট, নয়নের মণি, তিনি আমাদের মধ্যে এসে উপস্থিত হয়েছেন। আপনাদের কাছে অনুরোধ করছি, আপনারা দয়া করে বসে যান, আমি আর আপনাদের বেশি কিছু বলবো না। যে কথা বলছিলাম, শুধু দুটো কথা আমি বলে দিচ্ছি। 50 বছরের ছেলেরা এখন সবাই কলেজে ভর্তি হন বা কলেজে পড়তে যান, আমরা জানতেও পারতাম না যদি কালকে অমিত শাহের সভা না হতো। যে বড় বড় 50-52 বছরের টাক মাথা লোকেরা লুঙ্গি পরে পড়াশোনা করতে আসে, আমরা জানতেও পারতাম না যদি কালকে সভা না হতো, রক্তের রং গেরুয়া হয় তার কারণে কালকে হয়ে গেল, আমরা এটা জানতেও পারতাম না। আজ যে এই মঞ্চ থেকে আমরা প্রশ্ন করছি তৃণমূল কংগ্রেসের নেতাদের, আর বন্ধু যিনি এসে গেছেন তারপরে আর আমাদের বলার কিছু চাই না, তার কারণ আপনারা জানেন তিনি সব। मैं मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की भूमि उत्तर प्रदेश से ही आपके बीच में आपका अभिवादन करने के लिए आया हूं। भाइयों बहनों, बंगाल की धरती स्वामी रामकृष्ण परमहंस की धरती है। यह धरती स्वामी विवेकानंद की धरती है, जिन्होंने उद्घोष किया था कि गर्व से कहो। भूमि के रूप में बंगाल की धरती ने पूरे देश को कराया था। यह बंगाल की धरती है जहां पर गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने इस देश को अपना राष्ट्रगान दिया। बंगाल को यह सौभाग्य प्राप्त है कि बंकिम चंद्र चटर्जी का सुप्रसिद्ध उपन्यास आनंद मठ में जिस गीत ने देश की स्वाधीनता का गीत बन करके कोटि कोटि नौजवानों को देश की स्वाधीनता के लिए समर्पित कर दिया था, वह धरती बंगाल की है। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का यह अमर उद्घोष भारत की स्वाधीनता का मंत्र बन गया। और भाइयों बहनों, एक देश में दो प्रधान, दो निशान और दो विधान नहीं चलेगा, नहीं चलेगा का उद्घोष करने वाले डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की इस पावन भूमि को मैं कोटि कोटि नमन करता हूं। भाइयों बहनों, में बंगाल को और बंगाल के अंदर विगत कुछ दिनों से चल रही घटनाओं को बहुत नजदीक से देख रहा हूं। आज मेरी स्वयं नॉर्थ कोलकाता में एक सभा थी, सरकार ने नहीं होने दी, परमिशन दी थी, विथड्रॉ कर दी। लेकिन उस सब के बावजूद आप इतनी भारी संख्या में आए हैं, टीएमसी की गुंडागर्दी का और उनके अवरोध को तोड़ करके आप यहां पर आए हैं, मैं सचमुच आपका अभिनंदन करता हूं, आप सबका स्वागत करता हूं। बंगाल के आप जैसे लोग आने वाली पीढ़ी के भविष्य को मंगलमय करने के लिए जो एक संघर्ष कर रहे हैं, इस पूरे संघर्ष में मैं उस समेत भारतीय जनता पार्टी बंगाल के आप सभी जागरूक नागरिकों के साथ डट करके खड़ी है। और आपने कल देखा होगा भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अमित शाह जी
लोकतांत्रिक तरीके से अपना रोड शो कर रहे थे, लेकिन उनका रोड शो नहीं होने दिया। कैसे टीएमसी के गुंडों ने उपद्रव किया, आगजनी की, हमला किया, घातक हमला किया, प्रशासन मौन बना रहा, और जब उसमें भी उनको लगा कि नहीं अभी और होना है, तो पूरे देश के लिए परम आदरणीय श्रीश्वर चंद विद्यासागर की प्रतिमा को ही खंडित करके उन्होंने अपना आक्रोश व्यक्त जिस तरीके से किया है, सचमुच हर भारतवासी इस घटना की निंदा करता है। और मैं तो कहूंगा, ममता जी से मैं इस बात का अनुरोध करूंगा कि सीसी फुटेज जनता के सामने आना चाहिए, जनता को यह जानने का अधिकार होना चाहिए कि वास्तव में वे कौन लोग हैं जिन्होंने ईश्वर चंद विद्यासागर की मूर्ति को खंडित किया है। और अगर आप नहीं अगर इस सीसी फुटेज को नहीं दिखा रही हैं, तो ये साबित हो जाएगा कि टीएमसी के गुंडों ने केवल माहौल खराब करने के लिए और यहां पर चल रहे दंगा फसाद को ध्यान से हटाने के लिए उन्होंने ईश्वर चंद विद्यासागर की मूर्ति को उसका बहाना बनाया है। भाइयों बहनों, बड़ी अजीब सी स्थिति है। पूरे देश के अंदर चुनाव चल रहे हैं, देश के अंदर सर्वाधिक लोकसभा की सीटें हमारे उत्तर प्रदेश में हैं। 80 लोकसभा सीटों पर उत्तर प्रदेश के अंदर चुनाव होने हैं। 80 में से 67 सीटों पर अब तक चुनाव हो चुके हैं और 67 सीटों पर एक भी बूथ पर हिंसा की कोई घटना नहीं घटित हुई। 6 चरणों के चुनाव संपन्न हो चुके हैं, किसी भी चरण में कोई घटना नहीं घटित हुई। और दूसरी तरफ आपके बंगाल में चुनाव का है, 6 चरणों में 6 चरणों में व्यापक हिंसा हुई है। हर बूथ पर टीएमसी के गुंडे जाकर के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ, आम नागरिकों के साथ, मतदाताओं के साथ मारपीट कर रहे हैं। ये अराजकता और ये तानाशाही कब तक? और इस तानाशाही का विरोध करने के लिए ही आज भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता खड़ा हुआ है। और जिस बहादुरी के साथ टीएमसी की गुंडागर्दी का प्रतिरोध भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता कर रहा है, सचमुच वह अभिनंदनीय है। मैं आप सबका अभिनंदन करता हूं, आप सबका स्वागत करता हूं। तो पूरे देश के अंदर नारा गूंज रहा है, पूरे देश के अंदर एक ही नारे की गूंज है, और वह है कि फिर एक बार मोदी सरकार का। मोदी सरकार, मोदी जी ने देश के अंदर उस प्रकार का कार्य किया है, इसलिए मोदी जी की सरकार फिर से आनी चाहिए। वैश्विक मंच पर भारत का सम्मान बढ़ाया है, योग की परंपरा को, हजारों वर्षों की भारत की संतों ऋषियों की परंपरा को वैश्विक मान्यता योग के माध्यम से प्रधानमंत्री मोदी जी ने दिलाई। भारत में कुंभ की परंपरा कितनी समृद्ध परंपरा है। देश के 4 स्थानों पर मानवता के सबसे बड़े आध्यात्मिक और सांस्कृतिक आयोजन का जो समागम होता है कुंभ, उस कुंभ के आयोजन को भी यूनेस्को के अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर के रूप में मान्यता दिलाने का कार्य किसी ने क्या? प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया। और यही नहीं, वैश्विक मंच पर भारत की आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई को भी मान्यता दिलाने का काम अगर किसी ने किया है, प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है। आप देख सकते हैं, अजहर मसूद को वैश्विक आतंकवादी घोषित किया गया। अजहर मसूद को वैश्विक आतंकवादी घोषित करने का मतलब अब दुनिया के अंदर आतंकवादी और आतंकवादियों के आका इस बात को कान खोल करके सुन लेंगे कि अगर भारत के अंदर भारत के 130 करोड़ की आबादी की सुरक्षा पे सेंध लगाने का दुस्साहस करोगे,
तो पाताल में भी छुपोगे तो मोदी वहां से भी ढूंढ निकालेगा और फिर तुम्हारा काम तमाम कर डालेगा। आज ये भारत की ताकत है कि प्रधानमंत्री मोदी जी भाषण करते हैं वेस्ट बंगाल में, लेकिन भाइयों बहनों पसीना छूटता है पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को इस्लामाबाद में। ये भारत की ताकत है, ये नया भारत है। हम दुनिया के अंदर शांति का संदेश लेकर के जाएंगे, लेकिन अगर हमारे नागरिकों की सुरक्षा पर कोई सेंध लगाने का प्रयास करेगा और हमारी 130 करोड़ की आबादी को कोई छेड़ेगा तो हम उसको छोड़ेंगे भी नहीं। यह संकल्प है प्रधानमंत्री मोदी जी का, एक नया भारत, प्रधानमंत्री का नया भारत है। हाईवे बन रहे हैं, कहीं पे रेलवे बन रहा है, कहीं मेट्रो की लाइन बिछ रही है, कहीं पर वाटरवे बन रहा है, कहीं पर आईआईटी, कहीं एम्स, कहीं ट्रिपल आईटी, कहीं मेडिकल कॉलेज, जहां पे जिस देश क्षेत्र की जो आवश्यकता हो उसको उसके अनुसार 5 वर्ष में 100 लाख करोड़ से ऊपर का निवेश इन सभी इंफ्रास्ट्रक्चर की डेवलपमेंट से जुड़ी हुई परियोजनाओं पर प्रधानमंत्री मोदी जी के सहयोग से हुआ।